तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव के पार्टीशन के स्टाइल को जान सकते हैं। जैसे कि आप कभी विंडोज़ को इंस्टॉल करते होंगे तो आपको वहाँ पर एक कभी ना कभी एरर ज़रूर आया होगा कि जैसे आप जो इंस्टॉल कर रहे हैं अपने हार्ड ड्राइव पे विंडोज़ को, विंडोज़ कैन नॉट बी इंस्टॉल टू दिस सेलेक्टेड डिस्क इज ऑफ द GPT पार्टीशन स्टाइल। तो दोस्तों, आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका हार्ड ड्राइव कौन से पार्टीशन को सपोर्ट करता है, GPT या फिर MBR को? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका हार्ड ड्राइव GPT को सपोर्ट करता है या फिर MBR को। तो चलिए उस वीडियो को देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके लिए आपको अपने माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर चले जाना है मैनेज वाले ऑप्शन पर। तो जैसे आप मैनेज वाले ऑप्शन पर जाते हैं, आपको जाना है अगला डिस्क मैनेजमेंट। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपका विंडोज़ जो है वो किस फाइल में इंस्टॉल करना है आपको। तो बेसिकली ज़्यादातर जो होता है परसेंटेज कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन का वो सी ड्राइव में होता है। सी ड्राइव जो भी आपका लगा होगा वो सबसे पहले आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए कि डिस्क जीरो जो है वो हमारा यहाँ पर SSD है जिसमें कि हम विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर डिस्क वन जो है ये हमारा एक्सटर्नल दूसरा हार्ड ड्राइव है जो कि लगा हुआ है एक स्टोरेज डिवाइस के तौर पर, और यहाँ पर मतलब स्टोरेज डिवाइस के तौर पर। तो हम पता करने वाले हैं कि हमारा सी ड्राइव जो है वो हार्ड ड्राइव वो कौन से पार्टीशन को सपोर्ट करता है। तो इस जीरो ड्राइव पर हम रह के क्लिक करेंगे राइट क्लिक और नीचे चले जाना है प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पर। प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको जाना है वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर। जैसे आप वॉल्यूम वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पार्टीशन स्टाइल आपका यहाँ पर शो रहा है मास्टर बूट रिकॉर्ड, मतलब कि MBR फाइल को आपको MBR पार्टीशन को सपोर्ट करता है आपका हार्ड ड्राइव। अगर आपका यहाँ पर GPT होता तो मतलब कि आपका पार्टीशन स्टाइल GPT है और आपको GPT स्टाइल को सेलेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये था तरीका कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका फाइल हार्ड ड्राइव कौन से पार्टीशन को सपोर्ट करता है। तो वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा मिलती रहे। तो मिलते हैं आप सभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।